सिंचन कहाँ पे भाग रहा है पृथ्वी का? भाई तू मेरा सारा पैसा लेके जा रहा है। अरे प्राणी भैया माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। भाई मैं तेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं माफ करने वाला। तू मेरा सारा पैसा लेकर अब चक्कर हो रहा है। भाई 15 रुपए मैंने कितना मेहनत से कमाया है। अरे प्राणी भैया 50 रुपए। अबे 50 रुपए अब तेरे को बड़ा गोलियों का सामना करना पड़ेगा। अरे प्राणी भैया 50 रुपए के लिए बच्चे का जान लोगे क्या? हाँ भाई जरूरत पड़े तो लूंगा। भाई मैंने कितना मेहनत से पैसा कमाया है। अरे प्राणी भैया शहर पे नया चोको चिप्स आया है। भाई तेरा चौको चिप्स भाड़ में जाए, मुझे ना अपने पैसे से मतलब है। प्लीज यार मेरा पैसा मेरे को लौटा दे। भाई तेरे को पता नहीं 50 रुपए कमाने के लिए मुझे कितना मेहनत का सामना करना पड़ता है, और तू ऐसे ही जाके घुमा देगा 50 रुपए। रे 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 भाई नहीं, भाई मुंह के बल गिर गया। 50 रुपए के लिए प्राणी भैया भाई क्या ही जोर से एकदम भाई गोली मारने के लिए तैयार हो चुके थे। भाई सच में यार प्राणी भैया का दिमाग पहुंच तक हमें दोस्तों मेरे को आज पता लग चुका है। भाई प्राणी भैया ना सच में कितने ज्यादा अजीब, कितने ज्यादा बेकार है प्राणी भैया। अरे दोस्तों मैं तो अपने जान बच चुका हूँ, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन गाइस अब मैं जिंदा हूँ। चलो गाइस चोको चिप्स खरीद लेते हैं 50 रुपए लेके। भाई इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना पिद्दी सिंचन के ऊपर। भाई भाई मैंने इतना मेहनत से पैसा कमाता हूँ, और वो गाइस बिना सोचे समझे 50 रुपए 100 रुपए पूरा मन मर्जी खर्च करता है, जैसे उसका बाप का पैसा हो। भाई बाप का पैसा नहीं उसके बड़े भाई का पैसा है, लेकिन भाई ऐसे क्यों खर्च करता है? भाई उसको पता नहीं है पैसा कमाने के, भाई पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मैं कितना ज्यादा ठोकर खा के 50 रुपए कमाता हूँ, और वो बिना सोचे समझे 50 रुपए खर्च कर देता है। भाई क्या गुस्सा आ रहा है भाई, ऊपर से 50 रुपए लेके चला गया, देने तो बिल्कुल मिलने वाला, और अमीर तो गाइस लगते हैं जिंदगी भर नहीं बनेंगे। अरे भाई क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, लेकिन ते ये क्या चल रहा है? ओ भाई मैं ऐसे ही घूम रहा था भाई, कॉल लू तेरे को। कैसे चल रहा है आजकल काम फाम? सब चल रहा है ना? काम बोले तो सब मेरे को पता नहीं, लेकिन तू मेरे से एक बार 70 रुपए लिया था, तेरे को याद है क्या? वो तो बहुत अरसों की बात है। हाँ वो तो बहुत पहले, मैं जब छोटा बच्चा था। अबे छोटा बच्चे की भाई बात ही छोड़। भाई तू मेरे से पैसा लिया तो पैसा वापस क्यों नहीं किया? और भाई छोड़ना, भाई तो पूरा करोड़ों साल मतलब 10 साल तो हो ही चुका है। अरे वो सब छोड़, पैसा भाई पैसा लेके पैसा नहीं देगा, पैसा क्यों देगा, पैसा क्यों नहीं देगा, पैसा क्यों नहीं देगा? ठीक है छोड़ दे भाई। भाई तू मेरा पैसा ले लिया, ऊपर से पैसा नहीं देगा, अभी देख तेरा कार का हालत क्यों करता हूँ। भाई तू अपने कार को पहचान बिल्कुल नहीं पाएगा। भाई ये पैसा कमाना कितना मुश्किल की बात है यार। ये पिद्दी गाइस पैसा ले लिया, चलो अभी इसका गाइस 70,000 का खर्चा तो यूं कर दिया। भाई महंगा महंगा कार खरीदता है, ये करता है, वो करता है, स्वैप करता है, लेकिन पैसा वापस करने का टाइम ना इनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। अरे यही लगता है फ्रैंकलिन सर का घर। अबे यही लगता है कि फ्रैंकलिन है। अरे सर आज का आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा लकी है, आपका लॉटरी निकला है फ्रैंकलिन भैया, 10 करोड़ का लॉटरी लगा है फ्रैंकलिन सर। तू नशे में है क्या? मैं नशे में हूँ भाई, तू सही सुन रहा है ना? 10 करोड़ भाई, मुझे पता है मैं लॉटरी बहुत ज्यादा काटता हूँ, लेकिन भाई तू सही बता। अरे सर आपको भाई भरोसा नहीं हो रहा? भाई मैं आपको अभी सबूत देता हूँ, हमारे जो कार है देखो उस कार से आपको लॉटरी आया है। हाँ यार मेरे को पता है, मैंने ना अगले वीक में एक लॉटरी को भाई काटा था, लेकिन भाई इतना जल्दी इतना बड़ा इनाम, क्या उसके बदले मेरे को कार मिलेगा क्या लॉटरी में? नहीं सर आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा। अबे यार मैं इतना जल्दी इतना अमीर बन जाऊंगा? हाँ सर आप चिंता मत करिए, मैं आपका हमारे जगह पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपका पैसा लॉटरी इंतजार कर रहा है आपके लिए फ्रैंकलिन सर। अरे सर फ्रैंकलिन सर बैठ जाइए कार पे सर। अब खुशी खुशी बैठ जाऊंगा। सो दोस्तों मैंने सोचा नहीं था भाई इतना जल्दी अमीर बन जाऊंगा, और गाइस सुबह सुबह सिंचन को पैसे के लिए इतना ज्यादा डांट दिया। भाई उसको पता ही नहीं मेरा 100 करोड़ का लॉटरी लग चुका है, अभी इस पैसे से गाइस पूरा जिंदगी का मेरे बेटे से मेरे उसके की बेटे हमेशा ऐसा कर सकते हैं। चलो गाइस चले यार, क्या कर रहा है? फटाफट भगा ले चल वहाँ पे जहाँ पे मेरा 10 करोड़ रुपए मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर निकी यार पूछ इतना छोटी सी बात के लिए आप चिंता मत करिए सर। चल भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ मेरा पैसा लेके, भाई इतना जल्दी लॉटरी का इनाम आ जाएगा मेरे को पता नहीं। अरे सर मेरे को भी पता नहीं था आप भी एकदम खतरनाक टाइप का लॉटरी काटते हो। भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लगा भाई, एकदम से 10 करोड़ रुपए मिल चुका है भाई, सही से चलाना है यार भाई। अरे क्या ही बोलूं सर, आपके तरह पैसा निकला है भाई, वो देख कर ना मैं ज्यादा ही खुश हो गया, इसलिए मैं ठोके दिया। अरे भाई मेरे को ये बता भाई, 10 करोड़ रुपए तू मेरे को कैश में दे रहा है क्या चेक दे रहा है? अरे फ्रैंकलिन सर आप कैश में लेना पसंद करोगे?
हम आ चुके फ्रैंकलिन सर, आ जाओ सर, यहाँ पे आपका पैसा, आप थोड़ा इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा रास्ता है ना, आपको पता है ना, हम छोटे जगह से। अरे कोई बात नहीं, छोटे क्या बड़े, मेरे को पैसा। अबे कलुए हमें से कहाँ पे चला गया यार, सुबह सुबह पाई वो सिंचन के पीछे भागा था। अबे कलुए कहाँ पे चला गया यार, यार सुबह सुबह यार तेरा दिमाग खराब है, सुबह सुबह मेरे को खाना ना देके चला गया। बस पे देखा, अच्छा बुद्ध बनाया। अरे सुनो, मेरा एक बंदा उसको ले जा रहा है, फ्रैंकलिन नाम का बंदे को। सुनो, उसको पूरा लूट लो, उसके घर का जो जमीन है सब पे साइन करके, उसका घर गाड़ी सब कुछ ले लो। आहा, साला कितना बेवकूफ मुर्गा है, एक बात पे फंस गया। इतना ज्यादा बढ़िया लगा, क्या ही बोलो। अब वो फ्रैंकलिन का बच्चे को कोई भी नहीं बचा सकता, करोड़पति से रोडपति बनने तक। हाँ, भिखारी से भी ज्यादा बदतर हालात होगा उसका। भाई भाई मेरा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई, मेरे को चिंता यहाँ से जाने दो भाई। तुम्हारे पास इतना बड़ा बड़ा गन भाई, पहले बोल देते भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं आता पैसे के लालच में। सो गाइस, 10 करोड़ के नाम पे ना ये भाई सब 10 करोड़ गोली मारने वाले है मेरे को लगता है। प्लीज यार मेरे को छोड़ दो। अरे भाई छोड़ तो देंगे, वाह यार हम तुमको थोड़ी पकड़ेंगे, वाह यार हम तुम्हें खाती दाढ़ी करने देंगे यार। भाई मैं तुम्हारे प्यार पड़ता हूँ, तुम सब क्या बड़ा बड़ा कर लेके तैयार हो भाई, मेरा खोपड़ी खोल दोगे, प्लीज यार प्लीज। सुन, चुपचाप इसे साइन कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा। सो एक मिनट, ये तो मेरा घर के जायदाद है भाई, सब कुछ ले लोगे क्या? तेरा जान प्यारा है तो तू साइन कर सकता है। ठीक है मैं कर रहा हूँ, चिंता मत करो। अरे ऐसे में बन क्या करोड़पति से रोडपति, मतलब मैं पहले करोड़पति नहीं था, रोडपति बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, लगता है मेरा हालत भिखारी से भी ज्यादा बदतर है। फ्रैंकलिन भैया आपको क्या 10 करोड़ रुपए मिला उसके बाद क्या? अरे बेटा, इस फ्रैंकलिन नाम के बंदे को बुद्धू बना दिया रे सिंचन बेटा। अबे यार गाइस देखो, ये सब पागलों के साथ मेरा सामना करना पड़ रहा है भाई, ये यहाँ पे बिजी है, वहाँ पे बिजी है भाई, इससे अच्छा तो मैं पहले ठीक था भाई, फालतू में 10 करोड़ के झमेले में आ गया और गाइस जितना पैसा था वो भी गबा के बैठा हूँ, अभी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे चलो फ्रैंकलिन भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो फ्रैंकलिन भैया चलो, आज आपका अमीर बनना है। भाई वो सब भूल जा, अमीर बनना मेरे एकदम किस्मत में नहीं है। अब चार क्यों सिंचर मार रहा है? अरे चलो फ्रैंकलिन भैया आपका अमीर बनना है। चल यार तू बोल रहा है तो फिर से कोशिश करते हैं। अरे अरे सुनिए आज भी गाड़ी, चल यहाँ पे मिलिट्री का काम चल रहा है। एक मिनट भाई, अरे उस पुलिस सर उस बैग में क्या बता सकते हो, क्या है उसे अंदर जो छुपाया है? अरे ये सब बताने का काम नहीं है, ये सब समझने की बात है। अरे अब मैं समझाऊंगा, आपसे पहले बता दो ना। अरे ये सब चुपचाप निकल भिखारी कहीं के। अबे यार बता देते तो अच्छा होता। अरे फ्रैंकलिन भैया उसमें पहुंच में पैसा था। अब भाई मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। सो गाइस ऐसे लगता है ये दोनों पुलिस वाले ना भाई कोई इलीगल साइड से पैसा छुड़ा के भाग रहे हैं। अबे मुझे ना उस पैसे को छुड़ाना पड़ेगा। अरे प्रागल भाई ये सामने देखो ना, एक बड़ा सा बाइक है। अबे पैसे की भाई, लॉस सैंटोस का बंदे ना भाई भिखारी लोग को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। चलो गाइस एक मिनट, ये तो बाइक है, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक टाइम पे मेरे को ठीक चीज मिल गया। अरे सिंचन 2 मिनट रुक जा, मुझे ना उस कार को लूटना पड़ेगा जहाँ पे 2 पुलिस के बंदे थे भाई, उनको लूट लिया तो मजा आ जाएगा, पैसे हम ज्यादा दूर भी नहीं जा पाए। सो दोस्तों मुझे ना टारगेट है इस कार के अंदर ना उस बैग में बहुत पैसा हो सकता है, नहीं तो डायमंड भी हो सकता है भाई। चलो जो जो है ना सब कुछ निकाल लेंगे, सबसे पहले ना गाइस कार के ऊपर चढ़ते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। भाई आगे तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन गाइस अभी ना ये दोनों पुलिस वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ा मैं इस कार में हूँ क्या नहीं। चलो गाइस इसका फायदा उठा के ना मुझे इस कार के अंदर से पैसा बाहर निकालना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, मेरे हाथ में जो चीज है एक बॉम्ब है। सो गाइस ये ना बॉम्ब में पीछे लगा दूंगा स्टिकी बॉम्ब को, और गाइस एकदम से पूरा ब्लास्ट होके दुम से उड़ जाएगा। चलो गाइस लगा दिया, बहुत बढ़िया। अभी ना गाइस 1 से लगातार 3 तक गिनती करते हैं। अरे ये तो वही भिखारी है, ये भिखारी आसपास हमेशा घूमता है। अरे यार माफ कर देना यार, मैं ना यहाँ पे आ गया था, आपसे फिर से मिल गया। लेकिन तू आया कैसे रे वे? अरे मैं आपकी कार के ऊपर चढ़ गया था, अरे ऐसे घिस घिस के आ चुका हूँ, छोड़ो यार माफ करना। चलो गाइस अभी ना स्टिकी बॉम्ब ब्लास्ट होने का टाइम आ चुका है, लगता है ब्लास्ट होने वाला है। चलो यहाँ पे छुप जाता हूँ। 1 अबे यार ये तो 3 तक गिनते के सामने ही फिट गया। चलो गाइस मेरे को भी चोट लगा, और गाइस बढ़िया खबर ये ना खुल चुका है।
ऑलराइट गाइस, सारा पैसा ना हाथ में लग चुका है। सो गाइस, उसके अंदर जो था मेरे एक साइड में बैग गिरा था, उस बैग में मैंने घुसा लिया। मुझे पता ही नहीं उसके अंदर पैसा है, क्या डायमंड है और क्या गोल्ड है। और एक बढ़िया खबर, ये बाइक भी मेरे को मिल चुका है ठीक टाइम पे। चलो गाइस, अब सिंचान के पास चलते हैं यार, उसको खुशखबरी देते हैं। भाई मैं अमीर बन चुका हूँ फिर से। सो गाइस, मेरे किस्मत जो लिखा है वो तो जरूर होगा। सो गाइस, लगता है मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे प्रागी भैया, क्या हुआ? भाई हुआ ऐसा कि मुझे जग गया, उसके बाद जो बैग था इस बैग के अंदर घुसा लिया। मेरे को पता ही नहीं इसके अंदर डायमंड है, गोल्ड है और कुछ भी हो सकता है भाई, इतना पता नहीं। अरे प्रागी भैया, इसके अंदर तो चप्पल भी रह सकता है। भाई तेरे को ना सिर्फ उल्टा सीधा ही सोचता है भाई, उसके अलावा तू कुछ नहीं सोच सकता। भाई आज हमें अमीर बनेंगे, सोच इसके अंदर 5 करोड़ का डायमंड निकल जाए, उसके बाद हमारा पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन प्रवीण भैया, इसमें जो सूखा चड्डी निकल गया तो? अरे यार, थोड़ी का चड्डी निकलेगा। और सोच, 2 पुलिस वाले एक चड्डी को ऐसे चुपचाप कहीं पे डिलीवर कैसे कर सकते हैं? अरे चलो प्रैक्टिस भाई, सामने देखो। अबे सिंचा, अब जंप करना पड़ेगा। ऑल राइट भाई 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 भाई, पास की। चलो बढ़िया ट्रिक लगा। सो दोस्तों, अभी ना मुझे अपने एक दोस्त के पास जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा ये चीज है क्या। अबे यार चलो, मैं तो आ चुका हूँ। अरे प्रैक्टिस भैया, आप जैसे हो आपके दोस्त भी कैसा ही है? अरे कैसा है मेरा दोस्त, आप दोनों ही गरीब हो। अरे यार छोड़ना, गरीब भी तो होते रहता है। अरे भाई तेरे को मैंने सब बताया ना? और मेरे को तो सब पता है, तेरे अंदर बैग में क्या है मेरे को पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बैग तो रख, मैं तेरे लिए बहुत इंतजार कर रहा था। देख, कॉफी चाय कुछ मंगवाऊ तेरे लिए? अरे कुछ नहीं चाहिए, तू बैग के अंदर क्या है कर देख ले। अरे क्या पता चला यार, क्या पता चला, तू इतना भाई घूर से क्यों देख रहा है? अरे बसीन ऐसा ही कि देख, ये जो पैसा निकला है ना, सारा पैसा नकली है भाई। तेरे को किसी ने पोपट बना दिया, पूरा पोपट, इतना पैसा पूरा नकली का पूरा नकली है। फ्रैंकलिन बेचारे रे। अबे यार सच में नकली है? हाँ यार सच में नकली है, मैंने सोचा था असली होगा, तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, लेकिन ये सब नकली पैसा है, मैं पैसे को पहचानता हूँ इतना बढ़िया से। सो गाइस, ये बैग ने पूरा पोपट कर दिया। सो गाइस, इस बैग में कुछ भी नहीं था, मतलब जो पैसा है वो भी नकली पैसा है। अबे यार, अभी इस नकली पैसे का क्या करे? अरे तू इस पैसे को ये पे छोड़ के चला जा, क्या ही कर सकता है। अरे यार चलो गाइस, कोई नहीं थे, बाइक तो हाथ लग चुका है। अरे कौन सी बाइक की बात कर रहा है तू? ये हाँ यार, ये बाइक ने मेरे को रास्ते में मिला भाई, ये ना लॉक था। अरे एक मिनट, ये तो एक लौता ही बाइक है दुनिया में, ये तेरे को कैसे मिल सकता है फ्रैंकलिन? अबे यार ये तो बहुत ज्यादा पुराना एक बाइक है, ये लगता है पूरे वर्ल्ड में एक ही है। अबे इतना महंगा, इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत बाइक तेरे पास? और सुन फ्रैंकलिन, ये बाइक ना मैं तेरे को 1 लाख दूंगा, नहीं 10 लाख देने के लिए मैं राजी हूँ। बाइक मेरे को दे दे फ्रैंकलिन, कुछ नहीं होगा। अरे फ्रैंकलिन क्या बोल रहा, सुन पा रहा है? देख यहाँ पे तेरे को नकली पैसा हो गया भाई, मैं तेरे को यहाँ पे 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, बाइक दे दे। एक मिनट भाई, एक 50,000 का बाइक होगा आई थिंक, तू ये 10 लाख में खरीद रहा है भाई? बात क्या है, बात तो बता। अरे कुछ नहीं, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। भाई कुछ तो गड़बड़ है गाइस, लगता है इसके पीछे कोई राजी होगा, नहीं तो गाइस ये तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला। सो गाइस, मुझे लगता है ये बाइक इसको भी नहीं बेचना चाहिए। अरे तेरे को ऐसा लगता है 10 लाख में काम नहीं बनेगा, तेरे को 20 लाख दूंगा। ठीक है 20 लाख तू ले ले मेरे से, उसके बदले बाइक दे दे मेरे को। सबसे पहले मैं बाइक ले लेता हूँ, तेरे को 20 लाख दे दूंगा। अरे यार प्लीज सुन ले, मुझे बाइक नहीं बेचना। अरे मुझे बाइक बिल्कुल भी नहीं बेचना, फटाफट बाइक से उतर। अरे नहीं भाई, मेरे को बाइक लेना है। भाई सिंचन फटाफट बाइक में बैठ जा। अरे सिंचन बाइक में बैठ जा। ओए फ्रैंकलिन सुन मेरी बात, ओए फ्रैंकलिन मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूँ बाइक दे दे मेरे को। अरे यार इस बाइक में है क्या, सबसे पहले बोल, नहीं तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। अरे सिंचन मुंह क्या देख रहा है, बैठ जा। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपका तो बाबला हो चुका है क्या? भाई मेरे को पता नहीं, अचानक से भाई पागल क्यों हो चुका है बाइक के पीछे। भाई एक बाइक में है ही क्या जो ये बाइक को $20 लाख में खरीद लाया ये। अरे गाइस तो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। अरे सिंचन चुपचाप बाइक लेके नहीं, अभी चुपचाप चलते हैं। मुझे लगता है इस बाइक के अंदर कोई सुपर पावर है जो हम लोगों को पता नहीं। अरे पर ऐसा हो सकता है क्या? अरे यहाँ से चलते, एक ही मिनट लगते गलत जगह पे आ चुके हैं, ये तो लुटेरों का गैंग है। अरे प्रैंकलिन भैया, पूरा दुनिया में आपको यहीं से मिला क्या? अरे मेरे को पता नहीं यार, यहाँ पे उसके बंदे होंगे, मेरे दोस्त का है। सो गाइस, अब मेरा दोस्त नहीं रहा, वो ना दुश्मन बन चुका है, अपने मेरे से बाइक खरीदना चाहता है। सो गाइस, इस बाइक को इतने सारे बंदे को बचा के यहाँ पे ले आया हूँ, और मेरे को पता ही नहीं इस बाइक का खास बात है क्या। प्रैंकलिन भैया जादुई बाइक है। भाई जादुई बाइक तो मेरे को नहीं लगता भाई, ऐसा है तो मैं चाहता हूँ ये बाइक ना पूरा 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 गोल्ड में बदल जाए। अब ये देख रहे बहुत ज्यादा महंगा भी हो जाए। अरे प्रागी भैया एक बार देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये तो सच में बदल चुका है। अरे प्रागी भैया ये तो गोल्डन बाइक बन चुका है। अबे यार ये तो बहुत महंगा हो सकता है। अरे प्रागी भैया इसलिए लगता है आपका दोस्त
इसलिए इतना महंगा खरीद रहा था इसको। अबे इसका प्राइस अब करोड़ रुपए चला गया, 5-6 करोड़। इसलिए गाइस सोचो इसमें इतना खास बात क्या है। सो गाइस ये कार्ड ना पूरा गोल्ड में है, चलो अब हम अमीर बन ही जाएंगे सिंचैन। अरे प्रवीण भैया कैसे? अभी तेरे को दिखाता हूँ कैसे बनते हैं अमीर। अरे भाई तूने बहुत ज्यादा मदद किया मेरे, आज मेरा बेटे का बर्थडे है, आज मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा ये बाइक। ये मेरे को पता है दुनिया में लौटा बाइक है और ये इसका बहुत ज्यादा खास बात है। सुन ये लगता है तेरा काफी होगा ना? हाँ आपने जितना पैसा दिया है लगता तो बहुत ज्यादा ही मेरे को लग रहा है। गाइस आप भी एक बार देख लेना। सो गाइस मैंने इस अंकल को ना ये बाइक बेच दिया है, उसके बदले अंकल ने ज्यादा ही पैसे दे दिया। अरे बेटा और चाहिए तो मैं बता दे सकता हूँ, बुरा मत मानो। अरे ठीक है अंकल कोई बात नहीं। अरे दोस्तों देखो ये अंकल का ना पूरा घर है, पूरा घर भाई देखो कितना ज्यादा अमीर है अंकल। भाई दुनिया में लगता है आप ही अमीर हो क्या अंकल? अरे नहीं मेरे जैसा अमीर बहुत है। अरे यार आपकी तरह नहीं है। अरे यार चलो बहुत बढ़िया। सो दोस्तों देखो इस अंकल का घर कितना ज्यादा बड़ा है, और गाइस इस अंकल ने हम लोगों को एक कार $1,000,000 से खरीदा है, बहुत ज्यादा पैसा। अरे ठीक है अब लेके चलो यहाँ से। अरे रुको ना आपका घर आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबको दिखाना चाहता हूँ। अरे ठीक है जल्दी करो। सो गाइस मुझे ना ये पैसा छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और गाइस मैं फाइनल बन चुका हूँ। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।